मैं आ चुका हूँ नदी के किनारे। देख पा रहे हैं आप लोग, बाढ़ आने वाला है, पूरा पानी पानी हो गया है और इधर तो सारा पानी ही पानी हो गया है एकदम। हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग का स्वागत है संतोष लालपुरी ब्लॉग्स में। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और लालपरी क्या कर रही हो जी? लालपरी अभी नहा धोकर हो गई है, फ्रेश सेब खा रही है। और ये चूल कौन लोग पे है जी? चूल लिप लिया गया है अच्छा से। अभी कैमरा में फ्रेश नहीं दिख रहा है बट बहुत ही फ्रेश दिख रहा है आँख से। ऐसे जैसे कहीं कहीं सूखा हुआ है, कहीं कहीं नहीं सूखा हुआ। अभी नया नया चूल्हा बनाया है हमारा, तो अभी 3-4 दिन बस खाना बनाया है, पूरी तरह से सूख नहीं पाया है। और बारिश का मौसम है, बारिश पड़ रहा है तो एक आध दो बूंद गिर जा रहा है उस पर ऊपर से। तो चलिए जानते हैं आज लालपरी से क्या खाना बनने वाला है। देखिए क्या बोल रही है, क्या बनेगा बताइए। बताइए आप क्या बनेगा। हम क्या बताएं यार, हम थोड़ी रोज खाना बनाते हैं। ये खाने के धुन में व्यस्त है इसलिए नहीं बता रही है। देखते हैं क्या बनता है, बनता है जो दिखाते हैं। अभी बैक से दिखा रहे हैं आपको चूल हमारा कैसा दिख रहा है। पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है चूल हमारा। और रात को बारिश पड़ रहा है 2-3 दिन से रात में थोड़ा बहुत। और लालपरी कितनी सुंदर दिख रही है आप लोग बताइए, और नहीं दिख रही तो भी बताइए। क्या कर रही है जी? छिलका उठा रहे हैं। देखिए सेब का ही छिलका उठा रही है। और ये हमारा है चूल, देखिए ये सब रखा हुआ है उजुकुन, क्योंकि इस चूल पे हम रख देंगे किसी बर्तन को तो चूल्हा बंद हो जाएगा, जलता नहीं है, इसलिए थोड़ा ऊंचा कर दिया जाता है जलने के लिए। यही हमारा चूल का व्यू है, खाना बन रहा है हमारे घर में खाने। देखिए लालपरी क्या कर रही हो जी, लहसुन छील रहे हैं लालपरी। और हम इतना आलू छील दिए हैं और अभी आलू छीलना है बहुत ज़्यादा। और शिवानी खेल रही है, अंश भी खेल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे खाना बन रहा है और हम ले लिए 2 घोंसला, बहुत खोजने के बाद मिला है। जा रहे हैं खेत में, पापा मांगे हैं हंसुआ 2 गो। अब जाने के बाद पता चलता है कि उसको हवाते हैं कि नहीं। तो चलिए पहले चलते हैं खेत में, इसके बाद आ रहे हैं, लहसुन छिला जाएगा खाना होने के बाद। फाइनली हम आ चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं मौसम कैसा बना हुआ है, दिख नहीं रहा मोबाइल में स्पष्ट। हम आ चुके हैं रोड पे, गांव से बाहर और खेत में जा रहे हैं। यहाँ से रास्ता है, यहीं से हंसुआ ले लिए हैं, मम्मी पापा वहाँ पे हैं। अब हम जा रहे हैं देने हंसुआ। आप लोग देख रहे हैं यहाँ का व्यू कैसा है, सब जगह धान ही धान दिख रहा है। और ये सब धान है रोपा हुआ, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। बारिश 2-3 दिनों से हो रही है, थोड़ा बहुत तो अच्छा दिख रहा है, नहीं तो इस सब का हालत ख़राब। आप लोग देख पा रहे हैं बारिश जैसा मौसम बना हुआ है बट बारिश हो नहीं रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है केवल। और यहाँ पे मम्मी पापा हैं, दिख रहे हैं कि नहीं कैमरा में, दिख रहे हैं थोड़ा बहुत। वहीं पे जाना है, हम जा रहे हैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ खेत में, आप लोग देख पा रहे हैं ये खेत लिया गया है रोपने के लिए। रोपे हैं हम, ये वाला खेत नहीं रोपे हैं, इसके नीचे में एक और खेत लिया गया है, इतना ही वो रोपने आए थे हम भूल गए हैं। और हंसुआ देने आए हैं मम्मी पापा, देखिए सो रहे हैं 2 जन केवल, और सब घूम रहे हैं जैसे मैं घूम रहा हूँ। हंसुआ यहाँ पे रख दे रहा हूँ और जा रहा हूँ वो खेत देखने के लिए कहाँ है। देख रहे हैं आप लोग कैसे सोनी होता है, इसमें घास थोड़ा कम लगा हुआ है, नहीं तो घास लगता है कि रोपे नहीं दिखता है। और यहाँ पे पानी से खेत पटाया जा रहा है, पाइप है जा रहा है उधर कहीं और, यह भी खेत पटा हुआ है, बारिश का पानी नहीं है, कल का शायद पटा हुआ है। ये खेत अभी सोना है, यही घास है ये वाला, इसको कबारते हैं। देख ये बहुत यार जल्दी नहीं कबरता, हमारा से कबर भी नहीं करेगा। ये कबार लिए हैं हम घास, और यहाँ पे सब सो के रखा हुआ है सोहन। इस सब को घर जाते समय
निकाल के लाठ पे रखना पड़ता है, वो लाठ है डांड़, वहाँ पे रखते हैं पहले। ये भी सोहन है, यहीं घास है और हम जा रहे हैं खेत देखने के लिए। ये डांड़ है, इसी पे रख देते हैं घास को सब निकाल कर। यहीं दोनों टोपरी है, एक ही वाली और एक ही वाली लिए हैं इस समय। इस साल हम लोगों का खेत एक भी नहीं लिया गया था यार रोपने के लिए, बट बारिश नहीं हुआ इसलिए दे दिए हैं खेत वाले लोग अपने से बोल कर कि ये लीजिए खेत रोप लीजिए, मतलब पैसा देना है, ये नहीं कि फ्री में दिए हैं। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, देख रहे हैं कैसा रोप दिख रहा है। इसमें अभी छोटा छोटा है धान, ये सबसे लास्ट में रोपा गया है और इसका बिया जो होता है वो भी छोटा छोटा था, उसमें का थोड़ा बड़ा बड़ा है, वो बिया बढ़ियार था। हम लोग का अपना बिया नहीं था, थोड़ा डाला गया था और कहीं और से हम लोग खोज खोज कर बिया रोप रहे थे खेत को। और इसमें देख रहे हैं घास कितना लगा हुआ है, सब घास कबारना है, ये सब घास से घास है केवल। घास कबर रहा है यार आसानी से बिल्कुल, यही सब घास है, इसी को निकालना है, निकालेंगे तो धान खाने को मिलेगा चावल। मैं आ चुका हूँ वापस घर और लाल परी क्या कर रही है देखिए, क्या कर रही है जी, आप लोग समझ पा रहे हैं लाल परी क्या कर रही है, मार पसर रही है भात बनाकर। और यहाँ पे अंश है, अंश देख रहा है कार्टून आलू के चालू बेटा, और कढ़ाई जल रही है यहाँ पे, इसमें तेल भी नहीं डाला गया है, कढ़ाई एकदम धुआं उठाती है। कितना तेल डाल दिए हैं हम, और फोरन है इसको हम जा रहे हैं अब डालने। डाल दिए हैं, देखिए पड़ा गया है यार मर्चा था इसमें। लाल परी मार फसली है, थोड़ा बहुत गिर रहा है मार, और यहाँ पे है भुजिया बना रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग आलू है केवल, और कितना अच्छा दिख रहा है, आँच बहुत ज़्यादा लग रहा है यार इससे। और लाल परी आ गई है भात रख के चावल, चला रहे हैं जल रहा है यार। मैं आ चुका हूँ नदी के किनारे, देख पा रहे हैं आप लोग बाढ़ आने वाला है, पूरा पानी पानी हो गया है, और इधर तो सारा पानी पानी हो गया है एकदम। पूरा शाम का टाइम हो गया है और पूरा खेत में हरियाली देख ही रहे हैं आप लोग, अब बाढ़ आएगा तुरंत। और यहाँ पे लोग लगा रहे हैं फांसा जाल मछली मारने के लिए, और बारिश का मौसम बना हुआ है, बारिश आने वाला है। ये तार है ऊपर लाइन वाला करंट वाला। और इधर हम आए थे अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए, और वो लगा रहे हैं अभी फांसा और हम जा रहे हैं घर क्योंकि आ रहा है बारिश। और यहाँ पे हो गया है पूरा पानी, समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे चलें, यहीं रास्ता है इस तरह जाना है इस तरह, देख पा रहे हैं एक जन खड़ा है वहाँ पर हमसे आगे चले गए हैं, और हम ब्लॉग शूट करने में पीछे रह गए क्योंकि हम लगा के हम गिर जाएंगे यार यहीं पे, इसलिए पीछे हो गए। और अभी हम देखिए ओल के चल रहे हैं पानी में, पूरे पानी में हैं अभी, और यहाँ पे पानी है बहुत ज़्यादा ठेहुना भर से ऊपर। ये रोप पूरा डूब रहा है, देख रहे हैं आप लोग, इधर पूरा पानी पानी हो गया है, और ऐसे ही पानी बढ़ता रहा तो पूरा पानी ये देखने को मिलेगा, धान उन कुछ नहीं दिखेगा। और अब हम जा रहे हैं घर है, घर जा रहे हैं, नहीं तो आ रहा है बारिश, और बारिश आ रहा है तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, अभी हवाएं चलने शुरू हुई है, नहीं तो इस समय हवा भी नहीं आ रहा था। और है
यहाँ पे हमारा चप्पल, चप्पल खोल कर गए थे और चप्पल पहन लेते हैं पहले हम और पैर धो लेते हैं अपना। चलिए चलते हैं घर, इसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं हम, नहीं तो लग रहा है कि गिर जाएंगे ब्लॉग शूट करने के चक्कर में। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर और हो गया है बारिश स्टार्ट और अंश खेल रहा है, एक एक बारिश पड़ रहा है और घर में हमारे अब खाना बनना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल अगले ब्लॉग में। तब तक आप लोग अपना काम करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। ऊपर का मौसम आपको दिखा दे रहे हैं हम कैसा है, देख रहे हैं लोग, बारिश हो गया तेज। गोड़िया, तू बात मेरे मार गोड़िया, तू बात मेरे मार गोड़िया।